नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुल सुंदरी मंत्र यानी जो माता षोडशी का मंत्र माना जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि परिवार में एकता बनाए रखने के लिए तथा वंश वृद्धि के लिए इस मंत्र का उपयोग क्यों किया जाता है। हमने अपने जीवन में ऐसे लोगों को भी देखा है जो हमेशा सदाचार का पालन करते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते और ना बुरा करने की कोशिश करते हैं, समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, समाज में मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं, लेकिन खुद के परिवार में क्लेश बना रहता है। लड़कियों की शादी नहीं हो पाती, अगर शादी हो भी गई तो संतान नहीं होती, घर में अकाल मृत्यु या परिवार में कोई ना कोई आत्महत्या करते रहता है। इन सब कारणों से पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है और शारीरिक मानसिक नुकसान के साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ जाता है। ऐसी अवस्था में कुल सुंदरी मंत्र को अवश्य आजमाना चाहिए। कुल सुंदरी माता षोडशी यानी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप माना जाता है, जो कि अपने आप में प्रचंड शक्तिशाली माना जाता है। आप जानते हैं कुल सुंदरी मंत्र का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी लाल आसन पर बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते तो वे किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें यानी गहरी सांस लें, जितनी देर तक हो सके रोकें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। अब अपने मणिपुर चक्र में यानी हार्ट के नीचे तथा नाभि के ऊपर ध्यान देते हुए कुल सुंदरी मंत्र ऐं क्लीं सौः। मैं फिर से मंत्र रिपीट करता हूँ, ऐं क्लीं सौः। इस मंत्र का उपांशु जप करें यानी बुदबुदा कर जाप करें। यह मंत्र छोटा जरूर है लेकिन प्रचंड शक्तिशाली माना जाता है। इस मंत्र का 20 मिनट तक जप करें और 21 दिन तक नियमित रूप से इसका जाप करना है और फिर 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान अवश्य कर दें। याद रखें, पैसे दान न करें। इस मंत्र को अपने लाभ के अनुसार आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। याद रखें, यह 21 दिन का प्रयोग है। इस मंत्र को किसी भी मंगलवार, होली, दिवाली, पूर्णिमा या एकादशी से शुरू कर सकते हैं। अब कुछ जरूरी नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ या सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती क्योंकि आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, आप विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चन आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करना चाहिए। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए जिससे लाभ मिलने का प्रतिशत बढ़ जाता है। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से अवश्य बचें। इस मंत्र को अपने घर के मंदिर में या किसी भी शांत स्थान में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद असुन या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में मदद करती है। असुनी या वज्रली मुद्रा क्या है व इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप इस नियम को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर वज्रेश्वरी जो कि मुंबई के निकट है आयोजित होने जा रहा है। इसमें उन लोगों को ज़्यादा लाभ है जो ज्योतिष के क्षेत्र में, पूजा साधना हीलिंग के क्षेत्र में जैसे कि रेकी, प्राणिक हीलिंग, टेरोट कार्ड, एंजल थेरेपी या किसी भी तरह का आध्यात्मिक उपचार के क्षेत्र में हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से बुकिंग कर सकते हैं।
इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।